जब आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत सारे रीजंस हैं इसके। आपको अच्छा खासा ब्रांड वैल्यू मिलता है, यू गेट डिसेंट अमाउंट ऑफ ट्रस्ट देयर, देन आपको रिलेशनशिप मैनेजर असाइन होते हैं जो डेली लेवल पे आपको टिप्स, रिसर्च, रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं, आपके पोर्टफोलियो को मॉनिटर करते हैं। कुछ स्टॉक ब्रोकर्स ही ऐसा करते हैं, लेकिन फुल सर्विस में ही ये करेक्टरिस्टिक है। ट्रेडिंग एप्लीकेशंस, ऑफलाइन असिस्टेंस और एट द सेम टाइम ठीक ठाक मार्जिन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। आज बात करेंगे ऐसे ही एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर की और देखेंगे कि क्या आपके लिए वो स्टॉक ब्रोकर सही है या नहीं। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल, एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर की। ये ब्रोकर 1987 में लॉन्च हुआ था। मुंबई में इनका कॉर्पोरेट ऑफिस है, लेकिन पूरे भारत में अगर इनकी ब्रांचेस की बात करें तो 2200 लोकल ब्रांचेस हैं और करीब 500 शहरों में इसकी मौजूदगी है। तो इस तरीके से अगर आप छोटे बड़े शहर में रहते हैं तो मोस्ट लाइकली इनकी ब्रांच आपके एरिया के आसपास ज़रूर मिलेगी। इनके थ्रू आप इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, NCDs, ETFs और बॉन्ड्स में भी पैसा लगा सकते हैं, IPOs, फिक्स डिपॉजिट्स और बॉन्ड्स में भी निवेश कर सकते हैं। इस प्रकार स्टॉक ब्रोकर के अगर हम बात करें डीमेट अकाउंट की तो 30 साल का एक्सपीरियंस है। ब्रोकरेज चार्जेस के काफ़ी सारे स्लैब्स हैं इसके पास। आगे चल के बात करेंगे कि वो स्लैब्स क्या हैं। फीचर्स में आपको रिसर्च एडवाइजरी मिलती है, मतलब कि रोज़ आपको टिप्स मिलेंगी जैसे शुरुआत में बताया, और इन हाउस टीम है इनकी। ट्रेडिंग एप्स में इनके पास वेब एप्लीकेशन, टर्मिनल सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन है। ये सारा ओवरव्यू दे रहे हैं आपको, आगे चल के और डिटेल्स बताएंगे। कस्टमर सपोर्ट में यू कैन रीच आउट टू थ्रू फोन, ईमेल, व्हाट्सएप सपोर्ट है इनके पास। देन यू कैन रीच आउट थ्रू ऑफलाइन असिस्टेंस, इन सब एरियाज में ये आपकी मदद करते हैं। अगर आपको अकाउंट खोलना है तो अकाउंट ऑनलाइन भी खुलता है, ऑफलाइन भी खुलता है। ऑफलाइन में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, यू हैव टू सेंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू देयर ऑफिस, नहीं तो सब ब्रोकर को भेज सकते हैं आपके एरिया के। डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या लगेगा? डॉक्यूमेंटेशन में एड्रेस प्रूफ लगेगा, उसमें वोटर आईडी कार्ड चल सकता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल चल सकता है, टेलीफोन बिल, आधार कार्ड चल सकता है। आधार कार्ड हो तो अच्छा है क्योंकि आपके बहुत सारा EKYC जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। आईडी प्रूफ में अगेन ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, इनकम प्रूफ चलेगा, कैंसिल चेक लगेगा और रीसेट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगी। अगर ऑफलाइन भेजना है तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको टेस्ट करके खुद भेजने हैं इनके ऑफिस में। ऑनलाइन सिंपल प्रोसीजर है, आपको वेबसाइट पे जाना है और सारा का सारा प्रोसेस, चाहे आपकी डिटेल्स हो, पैन कार्ड हो, चाहे डॉक्यूमेंटेशन अपलोड हो, चाहे फीस हो, इसके केस में फीस क्या है आगे बताएंगे, वो सारा कुछ ही ऑनलाइन करना है। एक दिन लगेगा मोस्ट लाइकली आपकी डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेसिंग में, वेरिफिकेशन में, एंड देन आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट खुलेगा और डीमैट अकाउंट खुलेगा उसका यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा। उसके थ्रू आप मोबाइल ऐप या टर्मिनल सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर सकते हैं और ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं। अब ये था डीमैट अकाउंट के बारे में। अब बात करते हैं इस ब्रोकर की ओवरऑल जो प्रोविजंस हैं वो क्या क्या हैं। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं, इसके पास एक्टिव क्लाइंट बेस कितना है। मोतीलाल ओसवाल के पास आज की तारीख में 3,77,123 क्लाइंट्स हैं, जो इसको भारत के टॉप 10 में से एक ब्रोकर बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट बेस ओनली। 332 शिकायतें हुई हैं इसके खिलाफ, 287 इसको रिजॉल्व कर चुका है। ओवरऑल इसका जो कंप्लेंट परसेंटेज बनता है वो है 0.08%, जो कि ज़्यादा है। हालांकि इंडस्ट्री का एवरेज काफ़ी इस टाइम काफ़ी ऊपर चल रहा है, 0.22 पे है, तो इंडस्ट्री का एवरेज भी ऊपर है और मोतीलाल ओसवाल भी डेफिनेटली इंप्रूव कर सकता है अपने कंप्लेंट परसेंटेज को। देन मूविंग ऑन, खर्चों की बात करते हैं, कितने पैसे ये चार्ज करेगा आपसे अगर आप इनके साथ अकाउंट खोलते हैं। तो अकाउंट ओपनिंग फ्री है, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए कोई पैसा नहीं देना, लेकिन AMC एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ये लगता है और हर ब्रोकर लेता है। इनके केस में ये चार्ज भी पहले साल फ्री रहेगा, लेकिन दूसरे साल से आपको करीब 400 रुपीज़ देने पड़ेंगे एवरी ईयर टू मेंटेन योर अकाउंट विद देम। देन कस्टोडियन फीस होता है जो कि हर ब्रोकर लेता है। इनके केस में इट डिपेंड्स, मंथली चार्ज होती है, ज़्यादा नहीं होती, सिक्योरिटी पे डिपेंड करता है कितनी सिक्योरिटी है, पर सिक्योरिटी करीब 50 पैसे से 1 रुपया ये ब्रोकर चार्ज करता है। इसके खिलाफ तो हम शिकायतें तो देख ही चुके हैं, लेकिन इसके अलावा और जो खर्चे हैं वो देखने चाहिए। मार्जिन मनी आपको वैसे कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक ऑफर्स का फ़ायदा उठाना है तो 10,000 रुपये मिनिमम आपको डालना पड़ेगा। डीमटेरियलाइजेशन चार्जेस हैं 25 रुपये,
प्रति रिक्वेस्ट के, और उसके बाद पर सर्टिफिकेट ₹5 चार्ज किया जाता है। रीमटेरियलाइजेशन के भी ₹35 हैं, प्लज क्रिएशन के करीब ₹35 लगते हैं। तो ये कुछ खर्चे हैं जो आपको ध्यान देने होंगे। लेकिन सबसे बड़ा खर्चा है ब्रोकरेज चार्जेस का, और वो लगातार लगता है। जब भी आप मार्केट में कोई ट्रेड डालेंगे तो आपको वो खर्चे देने होंगे। इस केस में अलग अलग प्लान्स हैं इनके पास। पहला प्लान है पैक अकाउंट। अब वैल्यू पैक अकाउंट में जितना ओवरऑल लेवल पे आप इनिशियली पैसा देंगे इनको, जो रिफंडेबल है, या एक तरीके से आपकी ब्रोकरेज उसमें से कटती रहती है, जितना ज़्यादा वैल्यू ये रहेगा उतनी ब्रोकरेज आपको कम देनी पड़ेगी अक्रॉस सेगमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इनको ₹2,500 देते हैं जिसकी वैलिडिटी 30 दिन है, 30 डेज, तो आपको बेसिकली 0.25% देना है ब्रोकरेज डिलीवरी में, 0.03% इंट्राडे में लगेगा, और ₹60 ऑप्शंस पे पर लेग, करेंसी में ₹20 पर लेग आपको लगेगा, पर लॉट आपको लगेगा। यही वैल्यू आप बढ़ाते जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ये वैल्यू मान लीजिए 25,000 तक ले जाते हैं, तो ₹25,000 आपका जो डिलीवरी का ब्रोकरेज है 0.02% हो जाता है, इंट्राडे में 0.02% आपको लगता है। दिस वैल्यू कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ₹50,000 0.18%, एंड देन सिमिलरली इंट्राडे में 0.015% हो जाएगा। ये टेबल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पूरा का पूरा डिटेल इसमें है। इसको स्क्रीन को पॉज करके आप सारी की सारी ब्रोकरेज वैल्यू पैक अकाउंट के अंदर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इनके साथ रेगुलरली बिना किसी प्लान के साथ जाते हैं, तो आपकी ब्रोकरेज आपके इनिशियल मार्जिन के ऊपर डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा मार्जिन आप देंगे इनको, उतना कम ब्रोकरेज लगाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 0.4% डिलीवरी में, कम से कम 0.1%, उससे कम भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन द नेगोशिएशन एंड द काइंड ऑफ मनी यू पुट इन विद द ब्रोकर इनिशियली। देन ये कुछ खर्चे थे जो आपको पता होने चाहिए। पीएमएस भी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी करवाते हैं, लेकिन उसमें टिकट साइज ₹25,00,000 है मिनिमम, तो उसके लिए अलग वीडियो भी बना देंगे, तो उसके अलग खर्चे आपको देने पड़ेंगे। अब पैसों की बात कर ली, अब बात करते हैं इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की। जब आप इनके साथ अकाउंट खोलेंगे तो आपको ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडिंग ऐप्स चाहिए होंगे। इनके पास काफ़ी रेंज है इन टर्म्स ऑफ दी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर दे प्रोवाइड टू यू। सबसे पहले आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन मिलती है, टर्मिनल पे आप उसको डाउनलोड करके रादर इसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी एग्जॉस्टिव है, अगर आप एक एक्सपर्ट लेवल ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली आपके लिए सूटेबल रहेगा। इन टर्म्स ऑफ फीचर्स आपको दिक्कत नहीं आएगी, 1 सेकेंड या उससे भी कम का रेट रिफ्रेश है ये। रिसर्च रिपोर्ट्स आपको मिलती हैं इसमें, इसमें मार्केट स्कैनर्स आपको मिलते हैं, एडवांस्ड स्क्रीनर्स आपको मिलते हैं, ट्रेडिंग गाइड सिग्नल मिलेगा आपको। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन ही सिग्नल्स प्रोवाइड करती है बेस्ड ऑन द कंडीशंस जो आपने सेट की हैं, एंड देन यू कैन परफॉर्म योर ट्रेड। तो सर्टेनली इट्स कम विद गुड स्पीड एज वेल, और अच्छा खासा यूजर एक्सपीरियंस है। इंटरमीडिएट से लेकर एक्सपर्ट लेवल ट्रेडर इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकता है। मोबाइल एप्लीकेशन भी मिलती है आपको, हर ब्रोकर देता है। इसके केस में भी काफ़ी एग्जॉस्टिव एप्लीकेशन है। मल्टी एसेट वॉच लिस्ट मिलता है आपको, स्टॉक्स को मॉनिटर करना है तो आप वॉच लिस्ट के थ्रू कर सकते हैं। रियल टाइम पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। सिक्योरिटी लेवल पे एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी दिखती है। रेटिंग हालांकि इसकी गूगल प्ले स्टोर पे 3.9 है, इंडस्ट्री का एवरेज है 4.0, तो सर्टेनली वहाँ पे इम्प्रूवमेंट ये ब्रोकर कर सकता है। जो ओवरऑल यूजर्स ने इस एप्लीकेशन को रेट किया है वो स्केल भी अच्छा खासा है, 32,931 यूजर्स ने रेट किया है, तो सैम्पल साइज इज़ बिलीवेबल सर्टेनली। देन साइज़ ऐप का साइज़ काफ़ी छोटा है, 6.2 MB, तो परफॉर्मेंस लेवल पे आपको ठीक लगेगी, और ठीक ठाक लेवल का अगर आपका फ़ोन है तो सही स्पीड पे चलेगी। 5 लाख से ज़्यादा इसके इंस्टॉल हो चुके हैं। बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं आपके सामने, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हर नंबर का एक रेलेवेंस है। जितने ज़्यादा इंस्टॉल्स हैं मतलब कि ब्रोकर उतना प्रोमिनेंट है, ज़्यादा पहचान है, ज़्यादा समझ है ब्रोकर्स की, ज़्यादा रीच है, चाहे ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है। ऐप का साइज़ कम होने का कारण ये है कि जितना बेसिक लेवल का फ़ोन भी होगा उसमें भी ये ऐप ठीक ठाक लेवल पर परफॉर्म कर पाएगी। 33,000 यूजर्स ने इसको रेट किया है, और मेजरली जो रेटिंग है 3.9 इज नॉट अ बैड रेटिंग, बट सर्टेनली देर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो वहाँ पे ये ब्रोकर डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकता है। तो ये थी मोबाइल ऐप। इसके अलावा आप इनकी वेब एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो थोड़ी सी लाइट वेट है, इंटरमीडिएट बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल ट्रेडर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल ट्रेड कहते हैं उसको। उसका ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस और डिज़ाइन भी अच्छा है, हमने देखा है, एंड विद इन अ सिंगल स्क्रीन आपको
काफी चीजों का एक स्नैपशॉट मिलता है। फॉर एग्जांपल आपको कैश बैलेंस, अपने पोजीशंस, अपने ऑर्डर का स्टेटस, योर पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस कितना चल रहा है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, मार्केट डेटा, ये सभी एक ही स्क्रीन पे आपको मिल पाएगा। सिंपल ऑर्डर प्रोसेसिंग है एसेट क्लासेस से, और चार्टिंग के थ्रू जैसे आप चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं अपने एनालिसिस के लिए, वहीं से ऑर्डर प्लेसमेंट भी कर सकते हैं। आपको मार्केट की इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मार्केट गेनर्स एंड लूजर्स, मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स, टॉप इवेंट्स क्या चल रहे हैं, न्यूज़ क्या हैं, देन जो भी उसके अलावा ट्रेडिंग सिग्नल का फंक्शनैलिटी इस एप्लीकेशन में भी आपको मिलेगा। तो सर्टेनली एप्लीकेशन सही है, रिस्पॉन्सिव नहीं है जहाँ तक हमने चेक किया था, मोस्ट लाइकली अभी तक हो गई हो, लेकिन आप खुद भी अगर इनके क्लाइंट हैं या इनके साथ एग्जीक्यूटिव के साथ बात होती है तो पूछ सकते हैं। अभी के लिए रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो मतलब आप सिर्फ इसको डेस्कटॉप या लैपटॉप या कंप्यूटर पर ही यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल की एक स्मार्ट वॉच ऐप भी आती है जो बेसिक लेवल पे आपके पोजीशन के अपडेट्स और मार्केट में क्या चल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन ग्लोबल लेवल पे और डोमेस्टिक लेवल पे आपको प्रोवाइड करती है। आई हैव नॉट सीन मच ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स प्रोवाइडिंग सच एन ऐप, बट इनके केस में आपको मिलती है। कस्टमर सपोर्ट एक बहुत बड़ा प्रोविजन होता है किसी भी फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर का, रिसर्च के अलावा। अब कस्टमर सपोर्ट में इनके आप फोन कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर है, यू कैन ईमेल देम, ऑफलाइन ब्रांचेस मिलती हैं जो शुरुआत में बताया, तो अच्छा खासा एक फिजिकल प्रेजेंस है, तो सर्टेन लेवल पे आप पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन पा सकते हैं। टर्न अराउंड टाइम विश्वसनीय है, फोन आपका जरूर उठाएंगे ये आप। कई स्टॉक ब्रोकर्स स्पेशली डिस्काउंट ब्रोकर्स में ये दिक्कत होती है कि जब आपका ऑर्डर फंस जाता है तो फोन ही नहीं उठाते, तो इनके केस में मोस्ट लाइकली ऐसा नहीं होना चाहिए। रिसर्च में आपको ऐप के थ्रू रिसर्च मिलेगी, व्हाट्सएप, ईमेल और एसएमएस के थ्रू टिप्स मिलेंगे, मोस्ट लाइकली आपका आरएम ही आपको टिप्स प्रोवाइड करेगा। इनके केस में आपको कंपनी रिपोर्ट्स मिलती हैं, आप टर्मिनल या एप्लीकेशन के थ्रू भी ये रिपोर्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। कंपनी रिपोर्ट्स, सेक्टर रिपोर्ट्स, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, वही सेम चीज़ होती है। देन यू ऑल्सो गेट थीमेटिक रिपोर्ट्स, अलग अलग लेवल की थीम्स बन जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी एक थीम बन जाती है, उसमें सोलर किस किस तरह की इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगा और कौन कौन सी कंपनीज को इम्पैक्ट करेगा उसका एक पोर्टफोलियो बनता है, और डायरेक्टली आप उस थीम में पैसा लगा सकते हैं। तो वो टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग इज ऑल्सो अवेलेबल विद दिस ब्रोकर, रिपोर्ट्स तो हैं एटलीस्ट। देन मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट्स, आईपीओ रिपोर्ट्स आपको मिलते हैं। पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी ये ब्रोकर प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें टिकट साइज करीब 25 लाख रुपए का रहता है। इसका अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है, क्या खर्चे होते हैं और किस कमीशन पे ये काम करते हैं। इनके साथ कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी फ्री है, उसके लिए आपको पैसा नहीं देना। तो ये हैं अलग अलग एरियाज जो आपको पता होना चाहिए, लेकिन मार्जिन एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो ब्रोकर्स आपको प्रोवाइड करते हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस के ऊपर। इनके केस में अराउंड एवरेज, अराउंड मीडियम टाइप आपको मिलेगा मार्जिन। फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी में 2 से 3 गुना मार्जिन उठाएंगे आप, इंट्राडे में 20 से 25 गुना जा सकते हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स में उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल लेवल पे अगर आप डेरिवेटिव्स की बात करें तो 6 से 7 गुना वहाँ पे भी मार्जिन उठा सकते हैं। लेकिन मार्जिन एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, अच्छा भी है बुरा भी। अच्छा इसलिए क्योंकि आपको जितना आपके पास पैसा है, ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस है, उससे ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके हिसाब से ट्रेड नहीं जाती तो लॉस भी अच्छा खासा हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, पहले अच्छी बातें। इनके साथ अकाउंट खोलने के फायदे हैं, फुल सर्विस लेवल पे एक रिसर्च हाउस के साथ साथ आपको टिप्स तो मिलती हैं, ऑफलाइन असिस्टेंस मिलती है, तो पूरा पैकेज मिलता है, तो इस ब्रोकर के साथ वो फायदा है। अकाउंट ओपनिंग पेपरलेस है, कई बार तो ये कहते हैं कि 15 मिनट में अकाउंट खोल सकते हैं, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर डॉक्यूमेंटेशन दो, तो उससे फर्क पड़ता है। अकाउंट ओपनिंग फ्री है, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों मुफ्त मिलेंगे, पहले साल का एएमसी भी मुफ्त रहेगा। देन कुछ ब्रोकरेज कैशबैक का ऑफर भी चल रहा है इनका, करीब 1,000 रुपये का ब्रोकरेज आपके ट्रेडिंग अकाउंट में वापस आ जाएगा, कुछ कंडीशंस हैं, इफ यू टॉक टू द एग्जीक्यूटिव आपको ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा। देन ऑफकोर्स ट्रेडिंग एप्लीकेशंस इंडस्ट्री एवरेज से बेहतर आंक सकते हैं, जहाँ तक क्लाइंट बेस की बात की हमने, अच्छा खासा नंबर है, सर्टेनली अ ट्रस्टेबल ब्रांड। 1900 कितने में शुरुआत में बताया था आपको, 1987 में लॉन्च हुआ था, तो करीब 33 साल हो चुके हैं इसको मार्केट में आए हुए, विच इज़ ए डेफिनेटली गुड नंबर। प्रॉब्लम्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स में सर्टेनली मार्जिन को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पेशली उन ट्रेडर्स के लिए जो कि मार्जिन उठाना ज़्यादा पसंद करते हैं। देन एट द सेम टाइम वी टॉक अबाउट दी ऑफलाइन प्रेजेंस, छोटे शहरों में डेफिनेटली कुछ दिक्कत आ सकती है,
मेजरली थर्ड टू फोर्थ टीयर सिटीज़ में एक कंपटीशन मिलता है, एक दो ब्रोकिंग हाउसेज और भी हैं जो इनको वहाँ पे कम्पीट करते हैं। तो कुछ दिक्कतें हैं मोबाइल एप्लीकेशन में, एक दो दिक्कतें हैं वो इम्प्रूव कर सकते हैं, जहाँ पे इनका यूज़र एक्सपीरियंस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग हुआ है इनके। अगर आप रिव्यूज़ पढ़ेंगे, खुद डेमो लेके देखिए, आई वुड सजेस्ट, हमने भी किया है, चेक किया है, तो एटलीस्ट एप्लीकेशन ट्रेडिंग के लिए सही लगी हमें। ओवरऑल इंडस्ट्री की एप्लीकेशंस का ब्यौरा देते हैं हम, तो सर्टनली वहाँ पे ये एप्लीकेशन ठीक है। कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस उठाते हैं, अब बात करेंगे कुछ सवालों की जो कि जनरली कुछ ट्रेडर्स के मन में होते हैं। इनके साथ अकाउंट खोलने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सिंपल है, जैसे और बाकी के डीमेट अकाउंट आप खोलते हैं सेम है इनके साथ। आप इंडियन रेजिडेंट खोल सकते हैं, एनआरआई अकाउंट खोल सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल अकाउंट भी खोल सकते हैं। एनआरआई अकाउंट भी खुलता है लेकिन उसके कुछ अलग से प्रोविजन होते हैं, तो रेगुलर डीमेट अकाउंट नहीं होता है। माइनर डीमेट अकाउंट भी खोल सकते हैं, बेसिक सर्विसेज डीमेट अकाउंट BSDA भी इनके साथ खोल सकते हैं। इनके साथ खाता खोलने के शुल्क क्या है? जैसे बताया मुफ्त है, फ्री अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर। देन कितना समय लगता है? 15 मिनट से मे बी 1 या 2 दिन, जिसके थ्रू आप अकाउंट खोल सकते हैं। सिंपल डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये थे अलग अलग एरिया जो कि हम नज़र डालना चाहते थे और बताना चाहते थे। किसी भी ब्रोकर पे आप विश्वास तभी करते हैं जब नंबर सामने हो और उसके बेस पे आप डिसीजन ले पाएं। इनके अलग अलग एरियाज के बारे में बात की है हमने, अब आपको देखना है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, उसके बाद आप अपना फैसला ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मोस्ट लाइकली आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, अ डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टॉक मार्केट के रिव्यूज, स्टॉक ब्रोकर रिव्यूज और अलग अलग लेवल के जो ट्रेंड्स चलते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, बाय बाय।